नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डावोस में समापन हो गया है। 50वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसी आर्थिक मंच पर आकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से ट्रेड वॉर खत्म होने के संकेत दिए। वहीं भारत की आर्थिक सुस्ती ने भी कई सारी सुर्खियां बटोरी, लेकिन यहां पर जो भारत के अर्थशास्त्री पहुंचे और साथ ही बड़े बड़े उद्योगपति और दिग्गज, उन्होंने यही माना कि अब भी भारत में काफी ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाला जो नजरिया है उसे सकारात्मक रखने की जरूरत है। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक कई मायनों में अहम रही। भारत की सुस्ती का मुद्दा इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में छाया रहा। IMF ने भारत का ग्रोथ अनुमान घटाया और ग्लोबल ग्रोथ में गिरावट के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन IMF चीफ क्रिस्टालिना ने कहा कि भारत की आर्थिक सुस्ती ज्यादा दिन की नहीं है, बस अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। We are projecting growth this year at 3.3%, next year 3.4%. This is clearly an improvement vis-a-vis the record low of last year of 2.9%. We have had a bit of a downgrade in one large emerging market economy, India. We believe this is temporary. We think that India is dealing with the problem that caused that abrupt slowdown, and it was the non-banking financial services. So we expect that momentum to be in emerging markets and again. उधर दुनिया के जाने माने पत्रकार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के जानकार फरीद जकारिया ने कहा है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में सुस्ती भारत के लिए एक मौका है। ब्राजील, यूक्रेन जैसे देशों की तरह भारत को भी इसका फायदा उठाना चाहिए। When you have a chance, take it. India squandered the opportunity of 3 decades of openness. To be fair, didn't squander it. In the 1990s, it took a real advantage of it. But in the last 10 years, I would say, it has squandered an opportunity where there was still a great era of progress and openness. But if you are committed to it, there's enough globalization going on for India to benefit. If you look at countries like Greece, Ukraine, Brazil, they are busy reforming. They are busy, you know, and the truth is, in an age of slower growth, in an age where it's harder to find stars, if you're one of the countries that are truly reforming and opening up, you may benefit more. World Economic Forum से इस बार ग्लोबल अर्थव्यवस्था के लिए एक शानदार खबर भी आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में चीन के साथ ट्रेड वॉर खत्म करने के संकेत दिए हैं। दावोस जो है वो इस बार सुर्खियों में रहा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर चीन से ट्रेड वॉर खत्म होने के संकेत दिए, लेकिन उनकी जो लंबी चौड़ी स्पीच थी वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने माना कि एक तरीके से उनकी प्री इलेक्शन स्पीच थी। कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी से वो बच गए, हालांकि इमरान खान से उनकी मुलाकात जरूर हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पिछली कुछ बैठकों से ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बार भी ग्लोबल वार्मिंग पर बात हुई। ग्लोबल वार्मिंग का असर इस बार स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में देखने को मिला। जनवरी में दावोस बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता था, लेकिन इस बार बर्फ तो थी लेकिन वैसी नहीं जैसे पहले देखी जाती थी। इस बार स्कीइंग करने वालों को निराशा हाथ लगी। एक तरीके से ये एक स्कीइंग पैराडाइज माना जाता है। यहाँ पर दुनिया भर से और खासतौर पर यूरोप से कई लोग स्कीइंग के लिए पहुंचते हैं। 6 ऐसे स्कीइंग माउंटेन्स हैं जहाँ पर लोग स्कीइंग, जो कि एक जाना माना विंटर स्पॉट है, उसका मजा ले सकते हैं। और यहाँ पर आइस स्केटिंग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसका भी मजा लेने के लिए यहाँ पर यूरोप के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं हर साल विंटर्स में। हालांकि इस साल जो टेम्परेचर्स रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग उसे कह लीजिए या फिर कुछ और, उसकी वजह से थोड़ी सी टूरिस्ट की संख्या कम है, क्योंकि स्कीइंग के लिए दरअसल आपको एक खास तरीके की ऊंचाई और मोटाई की आइस चाहिए होती है, तभी आप स्कीइंग कर सकते हैं। कम आइस में आप स्कीइंग नहीं कर सकते हैं। दुनिया की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच काफी अहम है। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत के लिए बड़ा संदेश भी आया है। भारत की आर्थिक सुस्ती की चर्चा के बीच सभी ने एक सुर में भारत की इकोनॉमी पर भरोसा कायम रखा है। उद्योगपतियों से लेकर आर्थिक जानकारों को भारत की अर्थव्यवस्था की नई ऊंचाई पर जाने की पूरी उम्मीद है। नेहा बाथम के साथ राहुल कंवर, दावोस, आज तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इकोनॉमिक फोरम में सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, इसे ग्लोबल थिंक टैंक का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ी बातें भी होती हैं। यहाँ हमने देखा किस तरह से रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल आने वाले वक्त में किया जा सकता है, कृषि क्षेत्र में भी कई नए आविष्कार यहाँ पर देखने को मिले। स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों में बसा शहर दावोस। दावोस में 21 से 24 जनवरी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। इस बैठक में जहां दुनिया के आर्थिक हालातों पर चर्चा हुई, वहीं नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेलर भी दिखाई दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं दावोस में, जो कि एक छोटा सा शहर है स्विट्जरलैंड का, लेकिन हर साल ये सुर्खियों में आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से। जनवरी के महीने में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन दावोस में किया जाता है, जो आमतौर पर 11,000 यहाँ की करीब पॉपुलेशन है, लेकिन 28,000 बेड्स यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए इस मौके के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ से ही कई बार ऐसी बातें आर्थिक मंच पर कही जाती हैं जो सुर्खियां बटोरती हैं। दावोस में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा रही इस अद्भुत पेड़ की। इसकी खूबी भी मजेदार है। आपको लगता तो सिर्फ एक पेड़ है, लेकिन खाने को मिलेंगे अलग अलग किस्म के 40 फल। ग्राफ्टिंग तकनीक से वैज्ञानिकों ने यह कमाल किया है। आपने कपड़ों की डिजाइनिंग सुनी होगी, फर्नीचर की सुनी होगी, और यहाँ तक कि घर की भी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने किसी ट्री की, यानी किसी पेड़ की डिजाइनिंग सुनी है? क्योंकि हम यहाँ पर एक बेहद इंटरेस्टिंग पेड़ के पास खड़े हुए हैं, जिसमें 40 यानी कि 40 अलग अलग टाइप्स, या फिर यूँ कहें ब्रीड ऑफ फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, और ये किया जा सकता है ग्राफ्टिंग की टेक्निक से। ग्राफ्टिंग मतलब एक डिफरेंट वैरायटी को दूसरी डिफरेंट वैरायटी की शाखा के साथ जोड़ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भुट्टे यानी कॉर्न से बने फर्नीचर और टाइल्स ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। दिलचस्प बात यह है कि ये टाइल्स ना सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि टिकाऊ भी। मेरे ठीक पीछे जो आप ये डिजाइन वॉल देख रहे हैं, दरअसल ये कोई आम डिजाइन वॉल नहीं है। इसमें जो ये टाइल्स लगाए गए हैं, ये कॉर्न यानी कि भुट्टा आमतौर पर जिसे हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं सैलड्स में और अलग अलग फॉर्म्स में, उसके कवर से यानी कि उसके हस्क से बनाया गया है। और ये खास तौर पर, ये दोनों तरह के जो यहाँ पर आप कॉर्न देख रहे हैं, जो भुट्टा देख रहे हैं, ये मेक्सिको से आता है, वहाँ की एक ब्रीड है, और इसी से ये अलग अलग डिज़ाइन के टाइल्स या फिर ये डेकोरेटिव पीसेस बनाए गए हैं, जिससे ना सिर्फ टाइल्स की तरह यूज़ किया जाता है, बट कई बार इसके टेबल्स और बाकी दूसरे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। दुनिया 2G से 5G पर पहुंच गई, तो रोबोट क्यों पीछे रहते? दावोस में दुनिया के सामने आए हैं 5G तकनीक पर काम करने वाले रोबोट्स। खास बात यह है कि ये रोबोट्स दूसरे रोबोटों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट है। रोबोटिक्स तकनीक को लेकर दुनिया भर में कई सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किए जाते हैं, लेकिन हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसे स्टॉल में पहुंचे हैं जहां पर 5G तकनीक का या फिर 5G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल रोबोटिक्स के लिए किया जा रहा है। एक ऐसे ही डिस्प्ले काउंटर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 5G स्पेक्ट्रम, जो कि अभी भारत में मौजूद नहीं है, हम 4G पर ही काम कर रहे हैं, हालांकि आने वाले वक्त में जब 5G आएगा तब हम ये जान सकते हैं कि किस तरह से इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यानी कि बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो आप ऑटोमेटेड कार्स की बात करें या फिर किसी ऐसे काम के लिए जहां पर ज्यादा लेबर इस्तेमाल होती है, वहां पर इस तरह के रोबोट्स को यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कम से कम लेबर इस्तेमाल हो और इस रोबोट की मदद से वो काम कराया जा सके। दावोस में एक ऐसी तकनीक भी सामने आई है जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से तो मजेदार है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिहाज से बेहद खतरनाक। इस तकनीक में आप एक क्लिक पर किसी भी बड़ी शख्सियत का रूप धारण कर सकते हैं।
ये तकनीक का एक एडवांसमेंट है जो यहाँ आकर आपको देखने को मिलता है, और इसका इस्तेमाल अभी फिलहाल किसी भी कमर्शियल यूज के लिए नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये बतौर एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर अभी यहाँ पर आप डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हर साल होता है। इस दौरान यहाँ पर नई नई तकनीक की नुमाइश होती है। ये वो तकनीक होती है जो आने वाले समय में इंसानों की जिंदगी में बड़े बदलाव कर सकती है। इस बार भी दावोस में ऐसी ही अद्भुत तकनीक की झलक दिखी। नेहा बाथम के साथ राहुल कवल, दावोस आज तक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हमारी खास पेशकश देख रहे थे आप। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आज तक।